मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी है। सिर्फ एक रोज में ही 13 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है, जबकि मकबूजा वादी में कई माह से लॉकडाउन जारी है। आलमी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए तगोदो कर रही है, तो वहीं पर काबिज और जालिम भारतीय फौज मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी करने में मसरूफ है। KMS के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने रियासी दहशतगर्दी की ताजा कार्रवाइयों के दौरान 13 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक काबिज और जालिम भारतीय फौज ने मकबूजा वादी के इलाके मेंदर में जिला पोंछ के मुख्तलिफ गाँव में 10 नौजवानों को शहीद किया। काबिज भारतीय फौज ने इन इलाकों में 28 मई से ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। भारतीय फौज के अफसर ने बताया कि जिला पूंछ में कुछ लोगों की तलाश जारी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला पूंछ में मजीद 10 और राजौड़ी में 3 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। खबर इस अदारे के मुताबिक जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज करते हुए भारतीय फौजियों पर शदीद पथराव किया। KMS के मुताबिक मई के महीने में 2 बच्चों समेत 21 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। मकबूजा वादी में कई माह से लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से कश्मीरियों का जीना दो भर हो चुका है। इलाके में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, जबकि बाहमी राबते के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल भी ममनू है। इस जहनी अजियत वाले माहौल में जब कश्मीरी बेजा पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करते हैं, तो भारतीय फौज उन पर गोलियां बरसाने से भी दरेग नहीं करती।